समर ऑफ सीना इज नाउ बिगिनिंग। तो गाइस जॉन सीना की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक की जो और अपीयरेंस होने वाली समर स्लैम से पहले ये सारे कर दिए ऑफिशियल, भाई कब कब किस किस जगह पर जॉन सीना आने वाले हैं ये बात कर दी रिपोर्ट्स ने ऑफिशियल। और भाई साथ में जो ब्रॉन स्ट्रोमर है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रिटर्न कर सकते हैं, इसके चांसेस डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से कर रही है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी उनकी न्यू मर्चेंडाइज लॉन्च कर दी। और भाई इस बार हम लोग मंडे नाइट रॉ के रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई क्या है ये सब देखिए मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप के सारी बातों के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप जो कि लास्ट तक देखना। चैनल पर नए तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग वीडियो को देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली अपडेट की बात करूँ जो कि आज के एनएसटी के बारे में, और फिर आपको जो है एनएसटी के रिजल्ट जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले मुझे एनएसटी के अंदर जो है अपने जो समय जो है उनको चाहिए होता है भाई कैरिंग क्रॉस, और भाई कैरिंग क्रॉस जो है आपस से नहीं होते, बट कैरिंग क्रॉस जो है बाय स्टेज पर ठिकाने लगा देते हैं विलियम रिडल को भी नहीं देते। और फिर अपने जो है समूह जो गुस्से में आते हैं, समूह जो ढूंढने के लिए जाते हैं, बट समूह जो को जो कैरिंग क्रॉस नहीं मिलते जब तक ढूंढते वहाँ से जो अपने कैरिंग क्रॉस गाड़ी के अंदर बैठ कर निकल जाते हैं। और भाई जो कैरिंग क्रॉस है अब समूह जो है कैरिंग क्रॉस के बीच आपस से रायवरी में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और भाई धीरे धीरे रायवरी और बेस काफी अच्छा बना रही है। और भाई ये जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आज मैंने मुझे एनएसटी के शो पर लगी। और फिर अब जो समूह है वो भाई बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आज हमें दिखाई दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और फिर काफी अच्छा आज का नेक्स्ट का शो था, बाकी आपको जो रिजल्ट जो मैंने इसके जैसे कहा डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बट नेक्स्ट स्टोर की बात करें जो कि जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के रेटिंग के बारे में। और फिर क्या इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग, तो भाई आज का कल का मंडे नाइट रॉ काफी बेहतरीन रहा है। ऊपर से उम्मीद है मनी इन द बैंक का कैश रहा, जॉन सीना थे गोल वर्क आए की थी, बट रिटर्न के ऊपर इसकी अच्छी चीज पड़ चुकी है। और भाई रिटर्न आई है वो आई है 1.9 मिलियन व्यूवर्स के, भी काफी अच्छी रेटिंग्स डिजर्व करती है। बट जो बड़ा जो रेटिंग थी वो आनी चाहिए थी भाई लगभग 2 मिलियन के आसपास, या फिर 2 मिलियन अराउंड कुछ आनी चाहिए थी। 2 मिलियन के पार तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स जानी चाहिए थी, क्योंकि शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को एडवर्टाइज किया था। जॉन सीना पहले से आए थे अपने गोल्ड में रिटर्न के लिए, बात सभी को पता थी। और भाई कीट ले आए, और भाई जॉन सीना के साथ साथ जो मेन इवेंट के अंदर हमें न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन मिल गया। और फिर मेन इवेंट के अंदर कैश इन भी होता है, रॉ वुमेन्स चैंपियन सक्सेसफुल हमें कैश इन करने के बाद न्यू चैंपियन दिखाई थी। बट ओवरऑल शो काफी अच्छा था, कैरिंग क्रॉस ने भी डेब्यू किया था, बट शो काफी अच्छा रहा। बट जो रेटिंग्स है वो अच्छी आई, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़ी जो है ना खुश रहेगी, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रॉ की रेटिंग्स है रॉ की रेटिंग भाई जो थोड़ी ज्यादा डिजर्व करती। बट आपके ये थॉट्स रॉ के रिएक्शन के ऊपर, रेटिंग्स के रिएक्शन के ऊपर आप मुझे बता सकते हो। बट गाइस आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट होने वाली है ये आप से होने वाले अपने मॉन्स्टरमेंट्स में, यानी कि मॉन्स्टरमेंट्स अपडेट के साथ में। और भाई ब्रॉन्स्टोन का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्चेंडाइज सेलिंग पर आज की, और भाई यहाँ पर से अपने ब्रॉन्स्टोन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिलीज किया गया, शॉकिंग रिलीज था। बट अब फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ब्रॉन्स्टोन की जो मर्चेंडाइज है उसको सेलिंग पर यहाँ पर से लगा चुकी है। और भाई यहाँ पर से जो ब्रॉन्स्टोन है उनकी यहाँ पर से आप जो देख सकते हो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्चेंडाइज न्यू सेलिंग पर लगा दी, जो कि भाई अचानक से मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार को रिलीज किया। और भाई जो है सुपरस्टार को मतलब नॉन कम्प्लीट 19 डेज का जो नॉन कम्प्लीट वाला सीन होता है वो फिलहाल ब्रॉन्स्टोन के साथ है। बट लेट्स सी क्या ब्रॉन्स्टोन कितने रिटर्न पीस के लिए, से फिलहाल कुछ सीन लग नहीं रहा है। बट इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है क्या ब्रॉन्स्टोन रिटर्न करते नहीं, इस पर मैं अगर कोई अपडेट आती तो मैं आपको जरूर बताना। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नाइस नॉइस वगैरह सुनाई दे रही थी, तो भाई बारिश चल रही और भाई जो हवा इसलिए तेज चल रही है और भी ज़्यादा आ रही, तो मैं जो वीडियो के अंदर नेक्स्ट उसके अंदर थोड़ी जो उसको एडिटिंग वगैरह अच्छी कर लूँगा। बट लेट्स सी क्या होता है। बट फाइनल अपडेट की बात करूँ जो कि अपने जॉन सीना के अपडेट के बारे में, और भाई जॉन सीना की सारी अपीयरेंस समर स्लैम से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया। और भाई इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं पहले बल्कि नाम ही नहीं दिया, और भाई इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई नाम दिया समर ऑफ सीना, जो कि भाई आप देख पा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कल में बताती थी कि भाई समर ऑफ सीना हो चुका है शुरू। और भाई यहाँ पर सारी जो जॉन सीना के थीम्स है यहाँ पर से होती है, और भाई जॉन सीना की सारी अपीयरेंस होने वाली जो है मंडे नाइट रॉ के अंदर वो आने वाले, जो कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर वो होने वाले हैं, और 5 स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर भी जॉन सीना हमें दिखाई देने वाले, जो कि भाई 5 हफ्ते फिलहाल 5 स्मैकडाउन के शोज होने वाले समर स्लैम से पहले। और भाई बाकी सारे जो ज़्यादातर जो है लाइव इवेंट्स के अंदर हमें जॉन सीना दिखाई देने वाले। तो भाई काफ़ी मेगा अपडेट है जॉन सीना के रिटर्न के ऊपर। और भाई जॉन सीना अब तो भाई फाइनल रिटर्न किया, और भाई टोटल आप जो है इसको कंपेयर करेंगे मतलब टोटल कितने होते, तो भाई ये जो 15 अपीयरेंस कुल मिलाकर जॉन सीना के 30 समर स्लैम के समर स्लैम से पहले, तो भाई काफ़ी बड़ी अपडेट है जॉन सीना के रिटर्न के ऊपर। बट प्लीज़ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो नीचे जो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भाई आपको आज का मेरी वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, यानी कि सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भाई आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।